हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे पैच टूल के बारे में कि पैच टूल क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है, प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैच टूल का एक्चुअल यूजेज क्या है। पैच टूल का एक्चुअल काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव एंड रिप्लेस करना। सिंपली मूव एंड रिप्लेस। वंस अगेन आई कैन से दैट मूव एंड रिप्लेस। तो हम लेट्स ट्राई सेलेक्ट करेंगे पैच टूल को इसी स्पॉट हीलिंग ब्रश के अंदर। हम जब राइट क्लिक करेंगे, यहाँ थर्ड ऑप्शन है पैच टूल, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेक श्योर दैट दिस ऑप्शन इज नॉर्मल, पैच ऑप्शन इज नॉर्मल। दिस इज अ कंटेंट अवेयर, डोंट सेलेक्ट कंटेनर, फर्स्ट वी लर्न अबाउट नॉर्मल, राइट। तो सिंपली हम में इस बलून को मूव करना है, मतलब इसको रिप्लेस करना है अदर स्काई के साथ। तो हम इसके अराउंड सेलेक्शन बना लेते हैं। सेलेक्शन हो चुका है, हम इसको सिंपली मूव करेंगे लाइक दैट और ये रिमूव हो चुका है। कंट्रोल प्लस डी, इट्स रिमूव्ड, राइट। नाउ ब्रिंग इट बैक। पहले हम बैकग्राउंड लेके एक कॉपी बना लेते हैं ताकि बिफोर एंड आफ्टर देखने में आसानी हो। कंट्रोल प्लस जे से अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो हमें यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि ऑप्शंस क्या है, कैसे वर्क करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ वापस ये सिलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सिलेक्शन बना लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, राइट, जो नॉर्मली पैच टूल सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सेलेक्टेड होता है, ये है न्यू सिलेक्शन। सेकेंड ऑप्शन इज अबाउट ऐड टू सिलेक्शन, राइट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, लाइक ये पोर्शन मुझे और ऐड करना है, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज सब्ट्रैक्ट। जब आप इस पर थोड़ी देर कर्सर को रोक के रखेंगे तो आपको ये बताएगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ऑप्शन, लाइक दैट। ये देखिए शो कर रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेलेक्शन। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मुझे ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं ऐसे सेलेक्शन बना लेता हूँ और ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है लाइक दैट, लाइक राइट। एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंटरसेक्शन। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे इसका इंटरसेक्स पोर्शन ही सेलेक्शन में चाहिए तो ये सेलेक्ट होके अदर पोर्शन का हो जाएगा। वैसे इंटरसेक्शन का इतना यूज़ नहीं है, बट फिर भी समझ लिया। अब हमें वहाँ जाके उनको ऑप्शंस को सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, हम सिंपली शॉर्टकट की से भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं न्यू सेलेक्शन कर लेता हूँ क्लिक। अगर हमें किसी सेलेक्शन को ऐड करना है तो हम सिंपली शिफ्ट प्रेस करेंगे। देखिए पैच टूल के ऊपर प्लस का साइन आ चुका है। अब जब हम सेलेक्शन बनाएंगे तो ये ऐड हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हमें कोई सेलेक्शन को रिमूव करना है तो हम अल्ट प्रेस करेंगे। देखिए माइनस का साइन आ चुका है, मैंने सेलेक्शन बना लिया, अब ये रिमूव करेगा सिंपली, ये सेलेक्शन में से रिमूव कर रहा है, राइट। लास्ट इंटरसेक्शन, उसका इतना यूज़ नहीं है तो लेट इट बी। ठीक है, अब हमने ऐसे सेलेक्शन बना लिया, सिंपली हम इसको मूव करेंगे, ये रिमूव हो चुका है। कंट्रोल प्लस डी, डी सेलेक्ट, राइट। ये जो थे नॉर्मल ऑप्शन, बेसिक यूजेज, बेसिक जो ऑप्शन थे इसके यहाँ पे वो बताए। अभी यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन, लाइक सोर्स। तो सोर्स क्या है,
लाइक मैंने ये सिलेक्शन बना रखा है, ठीक है, ये सोर्स है, अभी मैंने सोर्स सेलेक्ट कर रखा है, तो दैट सिलेक्शन इज सोर्स। ना मुझे रिप्लेस करना है इस सोर्स को, तो सिंपली सेलेक्ट किया और रिमूव कर दिया, दैट इज सोर्स, राइट। अब नाउ सेलेक्ट द डेस्टिनेशन, अब मुझे इस सिलेक्शन की डेस्टिनेशन डिसाइड करनी है, मतलब अब हमें रिमूव नहीं करना, लाइक दैट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने सिलेक्शन बना लिया, मैंने डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रखा है, सिंपली अब मैं इसको मूव करूँगा, तो अब मैं इसको कहाँ प्लेस करना चाहता हूँ, अब मुझे इसकी डेस्टिनेशन डिसाइड करनी है, मुझे यहाँ रख, आई ब्रिंग इट हियर, एक मुझे यहाँ दूर कहीं चाहिए, ओके, तो यहाँ रख दिया लाइक दैट, एक मुझे यहाँ चाहिए। नाउ इस तरह से हम इसकी डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन, राइट। जैसे कि अगर हम कंट्रोल पल्टी सेलेक्ट करें, अब मुझे इसकी, अब मैंने ये सिलेक्शन बना लिया, अब मुझे ये इसकी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी लाइक दैट, ये हो गई डेस्टिनेशन, ये हो गई डेस्टिनेशन, मुझे यहाँ मूव करना है, ये दैट इज डेस्टिनेशन, बहुत ईजी, ठीक है। एक इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा। अब हमें ये बर्ड्स थोड़े कम लग रहे हैं, हमें और चाहिए, तो जैसे कि डेस्टिनेशन सेलेक्टेड है, ठीक है, हम इस फर्स्ट बर्ड के अराउंड सेलेक्शन बना लेंगे लाइक दैट, हो गया सेलेक्शन। अगर हम सोर्स सेलेक्ट रखेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, बस मूव एंड रिप्लेस हो जाएगा, ब्रिंग इट बैक, कंट्रोल प्लस जी। नाउ हम सेलेक्ट करें डेस्टिनेशन, हमें और बर्ड्स चाहिए, सिंपली आई प्लेस इट हियर लाइक दैट, हो गया कंट्रोल प्लस डी, हो चुका है। हमें हमें एक ये बर्ड चाहिए, यहाँ क्या एकदम बैक में, तो हम यहाँ प्लेस कर देंगे कंट्रोल प्लस टी, राइट। अब हमने जैसे इसकी कॉपी नहीं बनाई, तो हमें बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए हिस्ट्री में जाना होगा, यहाँ पे ऑप्शन है हिस्ट्री, क्लिक ऑन दैट, ये जब इमेज ओपन हुई थी तब का, ये अभी का, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, राइट। तो ये तो है बेसिक यूजेज ऑफ पैच टूल। अब हम एक और ऑप्शन था इसके अंदर यहाँ पे, कंटेंट अवेयर, अब हम इसको समझ लेते हैं, राइट। लाइक मैं सेलेक्ट करता हूँ कंटेंट अवेयर, अब इसकी कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल प्लस जे, कॉपी हो गई, ठीक है। व्हाट इज कंटेंट अवेयर, कंटेंट अवेयर जैसे कि अभी हम मुझे एक न्यू लेयर पे काम करना है, तो मैं ये न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ, ये न्यू लेयर आ गई, इसको पहले नॉर्मल करता हूँ। अब मैं अगर कोई सिलेक्शन बनाता हूँ लाइक दैट, इसको मूव करूँगा तो एरर आएगी, कुड नॉट यूज द पैच टूल बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी, क्योंकि जो न्यू लेयर है वो एम्प्टी है, कुछ है नहीं उसमें। इसकी जगह, नॉर्मल की जगह अगर मैं कंटेंट अवेयर पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन वापस बनाता हूँ लाइक दैट, अब मैं अगर इसको मूव करूँगा, मूव कर रहा हूँ, सिर्फ सिलेक्शन मूव हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ भी होगा कभी कभी, क्यों नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ, देयर इज ऑप्शन सैंपल ऑल लेयर्स, प्लीज चेक ऑन दैट,
अब मूव करेंगे हम, अभी हो रहा है। अब हमारे पास ये न्यू लेयर पे है और ये हमारे पास न्यू लेयर पे वर्क कर रहा है, तो दैट इज कंटेनर। कंटेंट अवेयर के साथ हम न्यू लेयर जिस पे कुछ नहीं है उस पे भी पैच टूल का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब न्यू लेयर पे हमारे पास ये बर्ड है, ये सिलेक्शन, राइट, दैट इज कंटेनर। अब इसमें हम क्या है, इसके स्ट्रक्चर और कलर के साथ भी खेल सकते हैं, मैच नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, तो हम इसके साथ थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं इस तरह से, राइट, कलर में चेंजेस कर सकते हैं लाइक दैट, राइट, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे कलर चेंज किए तो फेड हो गया, अगर मैंने नाइन किया, अब मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये इस तरह से लाइक दैट, ठीक। तो ये तो समझ लिया हमने कंटेंट अवेयर टूल को, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और प्रॉब्लम आती है जब हम पैच टूल को यूज़ करते हैं। मैंने ये इमेज ली, अब मुझे इस इमेज में से इस डॉग को रिमूव करना है पैच टूल के थ्रू। तो पहले हम कंट्रोल प्लस से कॉपी बना लेंगे, कंटेंट एवरी से नॉर्मल कर देंगे, सोर्स सेलेक्ट करेंगे, राइट। अब जब मैं इसका सिलेक्शन बनाऊंगा डॉग का लाइक दैट, पहले मैं इतना ही बनाता हूँ, इसका सिलेक्शन बना के इसको यहाँ मैच करता हूँ, लाइनअप करता हूँ यहाँ पे। लाइनअप करने के बाद से लाइनअप हो गया, मैं इसको छोड़ूंगा तो यहाँ स्प्रेड हो रहा है, जैसे जो कलर है ब्लैक कलर डॉग का स्प्रेड हो रहा है, स्मज हो रहा है, हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पैच टूल में जब भी कोई अटैच्ड, कोई भी चीज़ जो अटैच्ड है उसको अपन रिमूव करते हैं तो स्मज हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। जैसे कि लेट्स ब्रिंग इट बैक, एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर मैं इस डॉग को इतना सिलेक्शन बनाऊं, इसको यार रिमूव करूं, मूव करूं सॉरी, तो ये स्प्रेड हो गया, स्मज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़, दो चीज़ें जब अटैच्ड होती है एक दूसरे से, टच है, तो जब भी हम बीच में से सिलेक्शन बना के उसको मूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो वो स्मज हो जाएगी या स्प्रेड हो जाएगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? का सॉल्यूशन है, इसमें हमें क्लोन स्टाम्प की सहायता लेनी होगी लाइक दैट। मैं यहाँ क्लोन स्टाम्प सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसमें से हम जो ये, जैसे कि ये पोर्शन मुझे इस डॉग का हटाना है, तो मैं इसको इस पोर्शन से अलग कर दूंगा क्लोन स्टाम्प की मदद से लाइक दैट। मैं यहाँ से अल्ट दबा के सेलेक्शन लेता हूँ, राइट, मैं इसको मैच करता हूँ यहाँ पे और राइट की तरफ ड्रैग करके इसको यहाँ से मैंने अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्शन ले लेता हूँ एक लाइक दैट, मैं इसको मैच लाइनअप कर देता हूँ और सिंपली रिमूव कर देता हूँ लाइक दैट। ये हो चुका है, अब ये डी अटैच हो चुका है, इनसे हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब हम पैच टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके अराउंड सेलेक्शन बनाएंगे और अब इसको मूव करेंगे इस तरफ लाइक दैट, अब छोड़ेंगे। तो अब जैसे कि ये स्प्रेड नहीं हुआ, स्मज नहीं हुआ, कलर स्प्रेड नहीं हुआ लाइक दैट। नहीं, अगर मैं इधर भी इसको शो करूं तो अभी भी करूंगा तो ये कलर स्प्रेड हो जाएगा। यही चीज़ अगर मैं क्लोन स्टाम्प सेलेक्ट करता हूं, इसको यहां से सिलेक्शन लेके इसको यहां से अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब मैं पैच टूल सेलेक्ट करूंगा, अब
अब मैं इसको मूव करूंगा तो ये स्प्रेड नहीं होगा, स्मज नहीं होगा। कंट्रोल लाइक दैट, ठीक है। देख सकते हैं हम, ये था बिफोर ए आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। ये था एक और यूज ऑफ पैच टूल। अब हमें कोई अगर स्ट्रेट सिलेक्शन बनाना है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें ये बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं, अगर हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर सिलेक्शन नहीं बना पाएंगे इसका, क्योंकि स्ट्रेट है, राइट। हमें स्ट्रेट सिलेक्शन बनाना है तो व्हाट वी विल डू, उसके लिए हम सिंपली सिलेक्शन बनाने से पहले अल्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन बनाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन बनाएगा लाइक दैट, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ इस तरह से। जब एंड पॉइंट पे आना है तो हम सिंपली अल्ट को रिलीज कर देंगे तो सेलेक्शन क्रिएट हो जाएगा, राइट। एक और यूज था। अब आप बोलोगे कि अल्ट से तो सेक्शन सब्सट्रैक्ट होता था, बट वो तब होता है जब सेलेक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो रखा हो, जैसे कि ये सेलेक्शन क्रिएट हो रखा है। तो अब अगर मैं अल्ट प्रेस करूँगा तो माइनस का सिंबल आएगा, अब ये सब्सट्रैक्ट करेगा, राइट। ब्रिंग इट बैक, तो ये सिलेक्शन इजीली हो गया इसके थ्रू। अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ तो ये इजीली मूव हो जाएगा, राइट। ये वही सेम प्रोसेस, क्योंकि ये अटैच्ड है एक दूसरे से, तो इस वजह से ये स्मज हो गया या स्प्रेड अप हो गया। उसका हम वही सिंपली क्लोन स्टाम्प टूल सेलेक्ट करके इसको अगर यहाँ से हम अब हमने सिंपली इसको इस जगह से सेपरेट कर दिया है, राइट। तो अब हमने इसको सेपरेट कर दिया है यहाँ से। तो अब हम पेस्ट टूल की मदद से इसको सिंपली इसका सिलेक्शन बना के लाइक दैट अल्ट प्रेस करके मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। ले हो गया सिलेक्शन। अब मैं अगर इसको मूव करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब कलर स्प्रेड नहीं हुआ, कंट्रोल प्लस डी इसलिए। एंड देयर आर सम इश्यूज, लाइन इश्यूज एंड वी कैन फिक्स इट लेटर, बट जो हमें समझना था वो समझ चुके हैं। तो ये मेन यूजेज है पैच टूल का, राइट। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा हॉट एयर बलून चाहिए तो हम सिंपली वही डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करेंगे और सिंपली मूव करेंगे। एक और चीज़ हम कर सकते हैं लाइक दैट। अब हमको अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं लाइक, और हम इधर इधर मूव कर रहे हैं,
अब अगर हमें ये जो सेलेक्शन है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम इसको सिंपली हाइड कर सकते हैं। हाइड के लिए सिंपली कंट्रोल प्लस एच। सेलेक्शन अभी भी वही है बट हमने उसको हाइड किया है सर। राइट, सेलेक्शन अभी भी बना हुआ है बट सिंपली बस हाइड हो चुका है लाइक दैट। राइट, तो ये था पैच टूल। हमने पूरी तरह से पैच टूल को समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट अ लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुको, यहीं रुको, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है देन लीव अ कमेंट। और अगर अभी आपने हमारी पिछली वीडियो जो कंटेंट अवेयर फील्ड के बारे में थी वो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में यह लिंक दे रहा हूँ, जाके चेक कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।